बीजेपी आगे चली तो मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है और देशभर के जो रुझान आ रहे हैं और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं 29 ही लोकसभा में मध्यप्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सभी को बधाई। छिंदवाड़ा में हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। छिंदवाड़ा अब हमारे लिए, खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है और छिंदवाड़ा पूर्ण बहुमत से जीत रहा है।